अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आज राष्ट्रीय सहारा में एक बहुत ही अहम मज़मून शाया हुआ है, सोशल मीडिया और बच्चे के उन्वान पर। इस दौर में हमें बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, इस पर इस मज़मून में रोशनी डाली गई है। ये बहुत अच्छा मज़मून है, राष्ट्र सहारा में शाया हुआ है। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सोशल मीडिया और बच्चे, मज़मून निगार हैं मसूद आलम साहब। ये राष्ट्र सहारा रोजनामे में शाया हुआ है। सोशल मीडिया इत्तिलाआत का तेज तरीन ज़रिया है, जिसकी बदौलत दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हम जहाँ भी हों, जो भी मालूमात दरकार हों, एक पल में हमें मौसूल हो जाती हैं। सोशल मीडिया के मुस्बित और मनफी असरात तेज़ी से फैल रहे हैं। जब एक हकीकत बन चुकी है कि इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना अब मुश्किल है, तो ऐसे में लाजिम है कि वालिदैन को पूरी तरह इस बात की आगाही होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के मुस्बित और मनफी असरात क्या हैं और इस पर मौजूद मालूमात व मवाद की हकीकत और सच्चाई को किस तरह जांचा जा सकता है। इसके साथ साथ जो बात अहम है वो ये है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत करते वक्त उनको गलत और सही, सच्चा और झूठ, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान फ़र्क के साथ मुस्बित और मनफी रवैयों की पहचान भी सिखाना होगी। सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, यानी उसके फ़वाद बहुत हैं तो नुकसान भी बहुत। बात करें फ़वाद की, तो दौर हाजिर में सोशल मीडिया सीखने का आसान तरीन, सस्ता तरीन और सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। हर शोबे की मालूमात हमारे ये क्लिक के फासिले पर दस्तयाब हैं, ताहम इसका हद से ज़्यादा या बेमकसद इस्तेमाल न सिर्फ वक्त का ज़िया है, बल्कि जिस्म और ज़हन पर भी ख़तरनाक असरात डालता है। इस ज़मन में वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की ऐसी ज़हनी तरबियत करें कि वो सोशल मीडिया का मुस्बित इस्तेमाल करें और उसके मनफी असरात से बचें। स्मार्टफोन की लत की वजह से बच्चे भी पुरतशद्दुद हो रहे हैं और उनकी नींद का वक्त भी ख़राब हो रहा है। कई मामलात में तो वालिदैन से छुपकर भी सोशल मीडिया चला रहे हैं। इंग्लैंड की डी माउंट फोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया है कि 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर बच्चों की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। वो रोज़ाना तकरीबन 5 घंटे सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं। इसमें 2 घंटे रात में और 3 घंटे दिन में गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहने की बड़ी वजह यह है कि बच्चे मशहूर लोगों से मुतासर होते हैं और सोशल मीडिया पर उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे जुड़ना चाहते हैं। स्मार्टफोन गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात देखे जा रहे हैं जहां बच्चे गेमिंग के आदि हो चुके हैं और वो घंटों फ़ोन पर गुजार रहे हैं। घर वालों की गैर मौजूदगी में ये ज़्यादा हो रहा है। तहकीक में शामिल साइंसदानों का कहना है
की तहकीक 10 साल तक के बच्चों की पर की गई है जिनके पास ज़ाती फ़ोन था। वो बच्चे ये देखना चाहते थे कि सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया में क्या हो रहा है और उनके दोस्त और दीगर जानने वाले क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया की लत बच्चों की जहनी सेहत को भी मुतासर करती है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक बच्चे अक्सर अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की न्यूज़ फैक्ट चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर 10 से 15 मिनट में ये एक अमल शुरू हो जाता है। बार बार सोशल अकाउंट्स देखने की ये आदत दिमागी सेहत को ख़राब करने लगती है। बहुत से मालूमात में गुम होने के खौफ का ख़तरा भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया को हकीकी ज़िंदगी की तरह देखना शुरू करें। सोशल मीडिया के अलावा बच्चों में फ़ोन पर गेम्स देखने की लत भी बहुत बढ़ गई है। गुज़िश्ता महीनों में मुल्क में ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जहां एक बच्चे ने गेम खेलने से इनकार पर खानदान के किसी फर्द को कत्ल कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि गेम्स की लत की वजह से बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। कई बार बच्चे बाहर की दुनिया को खेल का हिस्सा समझने लगते हैं और अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल देते हैं। गेम खेलने की वजह से बच्चों में नींद की खराबी भी हो रही है। बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लत ने उनके जिस्मानी सरगर्मियों को कम कर दी है। स्कूल से आने के बाद बच्चों का ज़्यादा वक्त फ़ोन पर गुजरता है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी की वजह से उनमें मोटापे का मसला बढ़ता जा रहा है। कमर दर्द और थकावट का मसला भी देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम बात यह है कि बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लत को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर अभी से इस मसले के हल के लिए इकदाम न किए गए तो ये मुस्तकबिल में एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो दिन भर बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। बच्चे को पढ़ाई के अलावा किसी और काम के लिए फ़ोन या लैपटॉप न दें। फ़ोन कॉल का शेड्यूल बनाएं। अगर आपके बच्चे को फ़ोन के साथ कोई काम नहीं है तो उसे उससे दूर रखने की कोशिश करें। अपने बच्चे को बाहर खेलने की आदत डालें। उन्हें हर शाम उनके किसी खेल के मैदान या पार्क में ले जाएं। जिस्मानी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी तो फ़ोन का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा घर में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकें और उसके नुकसानात के बारे में रहनुमाई करते रहें। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए रात दिन ऐसी गेम्स ईजाद हो रही हैं जिनमें तशद्दुद, कत्ल ग़ारत और जिनसी बेरार रहवी जैसी सरगर्मियाँ बआसानी बच्चों तक पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे ज़िद्दी, तशद्दुद पसंद और तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। साथ ही मुसलसल बैठ कर गेम्स खेलने या इंटरनेट के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से जिस्मानी वर्जिश और खेल कम हो के रह गया है, जो कि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत नुकसानदह है। इसके साथ साथ उनकी तालीमी कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक गंदगी के इस दौर में सवाल ये है कि हम किस तरह अपने बच्चों को हर मुमकिन हद तक महफूज रख सकते हैं। चूँकि इतने ज़्यादा एक्सपोज में मुकम्मल इज्तिनाम तो मुश्किल ही नज़र आता है, मगर कोशिश करें कि बच्चे जब भी मोबाइल या टेबलेट में इंटरनेट इस्तेमाल करें तो आप
उनकी वक्तन फवक्तन निगरानी करें। कोशिश करें कि बच्चे कम से कम वीडियो गेम्स और ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल गेम्स में हिस्सा लें। बच्चों के कमरे में टीवी या कंप्यूटर रखने से गुरेज करें। कंप्यूटर, टीवी, टेबलेट और ऐसी तमाम तर सहूलियात का इस्तेमाल सिर्फ ऐसी जगह तक महदूद करें जहां आप मुसलसल नज़र रख सकें, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक से बच्चे बागी हो जाते हैं। लिहाजा उन्हें प्यार से समझाएं और उनको खुद से बहुत करीब रखें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में होने वाला कोई भी मसला महज आपके डर और खौफ की वजह से छुपा कर खुद किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया की हर बुराई खूबसूरत तरीन तरीक़े से हमारे बच्चों के सामने पेश की जा रही है। उनके जहन मासूम हैं, लिहाजा ये माँ बाप और तमाम बालिग अफराद की ज़िम्मेदारी है कि न सिर्फ अपने बच्चों बल्कि दूसरों के बच्चों को भी इन आफात से बचाने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें, क्योंकि ये माशरती मसला है। यही बच्चे, यही नौजवान हमारा और कौम का मुस्तकबिल हैं, इसलिए हमें उन्हें मुस्बित सरगर्मियों से रोशनास कराने और हर तरह की मनफी सरगर्मियों से महफूज रखने की मुमकिन कोशिश करनी है। काम वाकई मुश्किल है और बहुत सारा वक्त भी दरकार है, मगर अपने कल को महफूज करने के लिए आज का कुछ हिस्सा तो कुर्बान कर सकते हैं। नतायज इंशाअल्लाह अल्लाह पर उम्मीद होंगे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।